हेलो एवरीवन, मैं वजाहत हसन यानी कि आपका अपना सुनियो। दोस्तों एक बार फिर से मैं लेकर आ गया हूँ आपके सामने आपके लिए एक और धमाकेदार प्रैंक कॉल लेकर। और ये प्रैंक मैं करने वाला हूँ हमारे नोबिता के साथ यानी कि सिमरन के साथ। सिमरन के साथ मैं पहले एक और प्रैंक कर चुका हूँ, यहाँ पर आपको ऊपर एक लिंक नजर आ जाएगा। बहुत दिन से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मुझे डोरेमोन के कैरेक्टर्स को दोबारा से प्रैंक कॉल करनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे प्यारे नोबिता से ही शुरुआत की जाए। वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे ज्यादा कहाँ पर मजा आया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच, एंजॉय द वीडियो गाइस। हेलो हेलो, हाय, हु इज दिस? सिमरन जी बात कर रही हैं? जी मैं सिमरन बोल रही हूँ, आप कौन? देखिए हम फिर आप जरूर हमें जानते होंगे, हमें हमारे इंडस्ट्री का करण जौहर कहते हैं, हमारा नाम है आरबी, पहचाना आपने? I'm sorry sir, I don't know who you are. आरबी, जरा तनिक अपने दिमाग पे थोड़ा जोर तो दीजिए ना। आरबी, हम करण जौहर की तरह फेमस हैं अपनी इंडस्ट्री में। सॉरी सर, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, बट कोई स्पेसिफिक रीजन है आपके कॉल करने का? जी हाँ सिमरन जी, हमारा एक है रीजन। पहले तो आप हमें नहीं जानती हैं, हमें बहुत दुख हुआ है जान करके। चलिए हम जब हम अगली बार आपको फोन करें और हम आपसे पूछें कि आप हमें जानती हैं, तो आप जरूर कहिएगा कि आप हमें जानती हैं, क्योंकि अब आप हमें जानती हैं। Yes, I'm sorry, मुझे ऐसे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, I'm really sorry. देखा, हमें पता था कि आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप जानती जरूर होंगी। सर बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपको जी? मेरा रेफरेंस किसने दिया? अरे मैडम, आपको कौन नहीं जानता, आप बताइए। आप इतने बड़े बड़े जो हैं सीरियल में काम करती हैं, हाँ आप इतनी सुंदर हैं, और आपका वो जो है वो डोरेमोन, वो हमारे यहाँ भी बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा। ओ वाओ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर। जी, और आपको ये जानकर और अच्छा लगेगा कि हमने जो आज आपको ये फोन किया है, हम आपसे डोरेमोन जो है डबिंग करवाना चाहते हैं अपनी भाषा में, बिहारी में, भोजपुरी में। लेकिन डोरेमोन बिहारी में भोजपुरी में, वो मुझे भोजपुरी फ्लुएंटली बोलनी आती नहीं है। अरे तो हम कब काम आएंगे, सारे आप जानते हैं कि बड़े बड़े छोटे छोटे सारे कलाकार जो हैं अपना रोल पाने के लिए, अपना रोल दबोचने के लिए ऑडिशन देते हैं, है ना? जी। ऐसा ही हमने एक छोटा सा ऑडिशन आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। ओके। वो टेलीफोन पे ही हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिएगा कि आपको स्टूडियो वगैरह में आने की कोई जरूरत नहीं है। अभी? जी हाँ, अभी फोन पे हो जाएगा ना सारा काम, फोन पे क्या नहीं हो सकता। ओके ओके, तो हमने कुछ एक डायलॉग जो है वो भोजपुरी में लिखे हैं, आपको उन्हीं डायलॉग्स को जो है रिपीट करना है हमारे बाद में। ओके, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, मुझे इतना अच्छे से आता नहीं है। पहला जो डायलॉग है वो ये है कि ससुरा ये जो जियानबा और सुनियो है ना, ये हमका बहुत परेशान करा था। ए नीले बिल्ले, तनिक हमें तड़कता भड़कता गजटवा तो देना। एक सेकंड, ये पूरी एक लाइन है। एक सेकंड, आपने क्या बोला? ससुरा ये जियानवा और सुनियो है बहुत परेशान करता है, ये लाइन है? जी जी जी। अच्छा, ना आपने, ना आपने हिंदी में बोला ना इसको भोजपुरी में बोला, आपने कुछ खिचड़ी पका दी। मुझे नहीं आती ठीक से, मुझे थोड़ी सीखनी पड़ेगी और आपको मेरी थोड़ी सी ज्यादा हेल्प और मुझे गाइड करना पड़ेगा। ससुरा, अच्छा जी ससुरा, तो गाली नहीं होती? नहीं नहीं, गाली नहीं होते हैं, क्योंकि मतलब पार है। और ऐसे मतलब यू नो बैड वर्ड्स यूज करना, आई एम नॉट श्योर ऐसे यूज करना चाहिए, पता नहीं। अरे हमारे यहाँ पर ऐसा सेंसर का कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ तो मारपीट भी चलती है बहुत। अच्छा, जो जियानबा और सुनियो है ना, ये हमका बहुत परेशान करते है। परेशान नहीं है मैडम, ऐसा नहीं है कि हम शाह बोल नहीं पाते हैं, हम बोलते ही सा है। Are you sure? मतलब जी हाँ, we are sure. ठीक है, अगर वो एक्सेंट में ऐसा हो तो I'll try again. जी जी। ये जो जियानवर सुनियो है ना, ये हमका बहुत परेशान करत है। जी, अब जो अगली लाइन है इसकी वो है, ए नीले बिल्ले, तनिक हमें तड़कता भड़कता गजटवा तो देना। तड़कता भड़कता सर, मतलब ऐसे होने वाला है ये जब आएगा वो जी। अच्छा, क्या क्या था ये? ए नीले बिल्ले, ए नीले बिल्ले,
तनिक हमें तड़कता भड़कता गजटवा तो देना। तनिक हमें तड़कता भड़कता गैजेट बता देना। सॉरी कैसे होगा। आपने तो बहुत अच्छा बोला, आपने तो हमको फैल कर दिया। आई थिंक मुझे अच्छा लग रहा है ये मैं जी हाँ जी बहुत आसान है। और जो है हमारे बिहार के बच्चे अपने नौबिता को ऐसे बोलते हुए सुनेंगे तो उनका दिल एकदम खुश हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा। अरे बहुत बढ़िया, एकदम लल्लनटा आप। देखा आप तो एकदम से सीख गई हैं तुरंत ही। That's very sweet of you, so I'm trying. चलिए अगली लाइन जो है, अगली लाइन भी बहुत अच्छी है। हम कैसे सिजुकवा से कहत बानी कि हम ओकरा से प्यार करत बा। ये मतलब ये क्या क्या बोला आपने, एक बार फिर से रिपीट कीजिए प्लीज। हम कैसे सिजुकवा से कहत बानी, हम कैसे शिजुका से कहत बानी। सिजुका नहीं, सिजुकवा। अच्छा ओ ओ शिजुकवा, सिजुकवा। ओ माय गॉड सिजुकवा, चेंज हो गया। हम कैसे सिजुकवा से कहत बानी कि हम ओकरा से प्यार करतवा। जी देखिए आप कितना अच्छा बोल रही हैं, हमें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि आप इतना अच्छा बोल पा रही हैं। लैंग्वेज में बस आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, मैं ट्राई कर रही हूँ। पर अगला डायलॉग सुन के तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी एकदम। वो है ना आपके सबसे सड़ियल जो है आपका जो ये डोरेमोन का जो किरदार रहा है, सुनियो टेढ़े मुंह वाला। नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, मतलब इतना नाइस कह रहे। अरे हाय हमें अब डायलॉग है, ए नीले बिल्ले तनिक कुछ करा, ये टेढ़े मुंह वाला सुनियो हमेशा आपन गाड़ी हमारे पास लावत है और ससुरा कहत है कि हमार गाड़ी में सिर्फ 3 लोगन की जगह बा। लेकिन ना यहाँ तो कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। एक सेकंड। अरे मैडम आप बोलिए 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 तो सही, आप एक बार बोलिए तो सही, हम आपको बता रहे हैं। नीले बिल्ले क्या क्या डायलॉग है बताइए। हाँ हाँ बताइए क्या डायलॉग है, मैं अब बोलती हूँ, बहुत अच्छे से बोलूंगी मैं, बताइए क्या डायलॉग है जी। ए नीले बिल्ले, ए नीले बिल्ले तनिक कुछ करा, तनिक कुछ करा, ये टेढ़े मुंह वाला सुनियो हमेशा अपने गाड़ी हमारे पास लावत है। मैं नहीं बोलूंगी। अरे मैडम बोलिए तो सही, ऐसा काहे कर रहे। अरे हमारे साथ सारी टीम। नहीं मुझे पता ही क्या हो रहा है। नहीं हमारे साथ, अरे मैडम हमारे साथ पूरी टीम खड़ी है हमारे बिहार की, आप ऐसा मत कीजिए। मैडम ये लाइन बताइए तो सही है, उसके बाद हम बोलते हैं ना आपको, बताते हैं। अच्छा ठीक है आप बताइए लाइन, बताइए बताइए। ये जो टेढ़े मुंह वाला सुनियो है, ये जो टेढ़े मुंह वाला सुनियो है, ये हमेशा अपन गाड़ी हमारे पास लावत है, ये हमेशा अपन गाड़ी हमारे पास लावत है और कहत है कि हमारी गाड़ी में सिर्फ 3 लोगों की जगह बा 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 लोगन, मैडम लोगन, कि हमारी गाड़ी में सिर्फ 3 लोगन की जगह बा जी। हाँ अब मैंने बोल दिया आपका डायलॉग, अब आप मुझे बताओ कौन बोल रहे हो, प्लीज बताओ कौन बोल रहे हो। आई नो ये मतलब दिस इज नॉट एन ऑफिशियल कॉल ऑफ सम डोरेमोन डबिंग इन भोजपुरी, मुझे बताओ कौन बोल रहे हो। सच्ची में किसी ने मुझे गड़बड़ लग रही है और ये मुझे मुझे पता है कौन है बट मैं फिर भी इतनी श्योर नहीं हूँ, तो मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ। यार मुझे आइडिया और बजाते आप हो ना, ये आप ही हो। हेलो, अरे यार सिमरन सारा क्या यार, अच्छी खासी कॉल चल रही थी यार, मतलब हद हो गई यार, 2 डायलॉग और बोल देते तो क्या चला जाता। अच्छा, आपको दो डायलॉग और थे, ओ माय गॉड कितने यार, ये दिस इज नॉट डन सीरियसली। मुझे सच्ची में मैं बताऊं आपको, मुझे शुरू में बिल्कुल हिंट नहीं हुआ कि आप हो, पर धीरे धीरे जब आपने हल्का सा वो बोला ना कि वो सुनियो के बारे में बोला और मैं बहुत ऑफेंडेड हो गई थी, प्लीज ऐसे मत बोलो, फिर मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि नहीं एक सेकेंड यहाँ ना कुछ दाल में काला है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, मैं समझ गई थी, सो बैड।
यार मैं क्या करूं, ये हमारे जो दर्शक है ना, हमारे जो ये सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब कब से मुझे बोल रहे हैं कि सिमरन को दोबारा कॉल करो, दोबारा प्रैंक करो। मैंने सोचा भाई अब इनकी बात को मैं कैसे टाल सकता हूँ यार। आपको एक बात बताती हूँ वजाहत, आप ना आपने मुझे दूसरी बार प्रैंक कॉल की है, ठीक है? ये आपकी दूसरी प्रैंक कॉल है, और पहली वाली प्रैंक कॉल में तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा, क्योंकि नोबिता इतना प्यारा है, बोला है बेचारा कुछ नहीं कहता, तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं जाने दो। लेकिन अच्छा, लेकिन अब आपने मुझे दूसरी बार ऐसे परेशान किया और ऐसे मुझे बुद्धू बनाया है, अब तो बेटा मैं आपसे ना बदला लेने वाली हूँ। अब देखना, अब नोबिता बदला लेगा और मैं आपको ओपन चैलेंज कर रही हूँ। ऐसा मत बोलो यार, मुझे डर लग रहा है अभी से। मैं हार गया, मैं हार गया। नहीं नहीं, अब तो होगा, मैं आपको प्रैंक कॉल अच्छा करूंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब करूंगी। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, चलो आप कर लेना, मैं अब मैं आई बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, और मैं तैयार रहूंगा। अच्छा अभी कम से कम ये जो मेरे डायलॉग्स हैं यार, बोल तो दो यार, ऐसा दिल अच्छा, मत तोड़ो कम से कम। डन, अब मैं बोलूंगी, अब मैं ऐसे हंसी खुशी, अब मुझे पता चल गया आप हो। ठीक है, ए नीले बिल्ले। ओके, ए नीले बिल्ले, तने कुछ करा। ये टेढ़े मुंह वाला सुनियो, हमेशा अपन गाड़ी हमरे पास लावा था। किसने लिखी है भाई ये लाइन? ये मेरा एक दोस्त है यश, उसने लिखी है, उससे लिखवाई है मैंने। बहुत बढ़िया है कि क्या ये लाइन, ये टेढ़े मुंह वाला सुनियो, हमेशा अपन गाड़ी हमरे पास लावा था है। कि टेढ़े मुंह वाला सुनियो, हमेशा अपन गाड़ी हमरे पास लावत है। और ससुरा कहे था कि हमारी गाड़ी में सिर्फ तीन ही लोगों की जगह बा। और ससुरा कहे तो यार बता इनको डोरेमोन इनको पक्का यार भोजपुरी में करवा लेती। ऑडियंस एंटरटेन होना हो, हम लोग बहुत एंटरटेन हो जाएंगे। ओह माय गॉड। अच्छा एक बार भोजपुरी में रोके तो दिखा दो, रोके तो दिखा दो। अरे रोना तो कॉमन होता है ना, वो किसी लैंग्वेज का थोड़ी होता है, क्या बोल रहे हो। अरे उसके इसमें नीला बिल्ला जोड़ दो ना। ओए नीले बिल्ले मुझे गजटवा दे दे। अभी बोलती हूँ, नीले बिल्ले मुझे गजटवा दे दो ना। ओ भाई साहब ये तो बेस्ट हो गया, ये बेस्ट कॉल, एपिक प्रैंक कॉल, ओ माय गॉड। अभी जल्दी से सारे हमारे व्यूअर्स को बोल दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं सबसे ज्यादा मजा कहां पर आया, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप प्लीज वजाहत हसन के चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और खूब सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच सिमरन, बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आपको मैंने ज्यादा परेशान नहीं किया होगा। थैंक यू सो मच, और मेरा बदला अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ले लेना, ले लेना बदला, हम तैयार हैं, आप लो तो सही। आई विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, करारा जवाब मिलेगा। हम तैयार हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच सिमरन, बाय। थैंक्स टन, बाय बाय।